एमपी में सरकार चुनने के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव की वोटिंग 17 नवंबर को पूरी हो चुकी है। वोटिंग होने के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया है, लेकिन अशोकनगर से कांग्रेस कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर अब सवाल उठाते हुए कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर ही तैनात हो गए। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया। ईवीएम मशीनों के आसपास कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए, लेकिन अशोकनगर में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने शनिवार की देर शाम लॉ कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम पर पहुंचकर कर्मचारी पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यहां पर सही से सुरक्षा नहीं की जा रही। इस संबंध में अशोकनगर प्रत्याशी हरि बाबू राय ने चुनाव आयोग को भी शिकायत की। काफी देर तक स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही। अभी शाम के समय अंदर कुछ लड़कियां मुंह का कपड़ा बांधे हुए, हाथ में बैग में देखा गया तो लैपटॉप वगैरह उनके साथ में सामान था, और ये सुरक्षा व्यवस्था बहुत ढीली थी। इसको लेकर हमारे द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत करी गई। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये पटवारी लोग हैं और रात में कोई इनकी जो मतदान केंद्रों का कोई जानकारी इनको फीड करनी थी कंप्यूटर के माध्यम से, वो ये करने आएंगे। तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि जहाँ पे ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं वहाँ पे किसी को लैपटॉप या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना उस भवन में प्रतिबंधित होना चाहिए, और इसकी हमारे द्वारा शिकायत चुनाव आयोग भोपाल को फोन द्वारा की गई। स्थानीय स्तर पर माननीय हरी बाबू राय जी जो हमारे कांग्रेस के अशोकनगर विधानसभा प्रत्याशी, वो भी साथ में थे। उनके द्वारा लेटर कलेक्टर महोदय को इस संबंध में मेल कर दिया गया है, चुनाव आयोग को मेल कर दिया गया है। वहाँ पर स्ट्रांग रूम में आप समझिए कि बहुत सारे लोगों का आना जाना था। 3-4 लड़कियां भी थीं जो अपना मतलब क्या बोलते नकाब पोश जैसी निकली, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम पटवारी हैं और वो लैपटॉप भी रखे हुई थी। तो हम लोगों को ये शंका हुई कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से छेड़छाड़ करने की भी ये साजिश हो सकती है, हम नहीं जानते लड़कियां कौन है। फिर तहसीलदार साहब आए तो उन्होंने बताया ये पटवारी हैं। हम लोगों का ये कहना है कि जब स्ट्रांग रूम है तो उसमें आना जाना क्यों, उसको टोटल सील कर देना चाहिए और वहाँ पर SAF का बाहर का फोर्स लगाना चाहिए। और हमें संदेह है कि मशीनों से छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पे बैठे हुए हैं। आपने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है, क्या मांग की है? मैंने तो यही मांग की है कि SAF को वहाँ पे वो किया जाए, लगा दिया जाए ड्यूटी में, और ये आना जाना बंद किया जाए। अगर इन्हें कोई काम करना भी है शासकीय तो कहीं दूसरी जगह किया जाए। आपको संदेह है कि कहीं ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ होती है? इसीलिए तो हमने ये कहा है उनसे कि यहाँ लोगों का आना जाना बंद कर दो, ये सार्वजनिक स्थान नहीं है और यहाँ केवल मशीनें हैं तो केवल फोर्स रहे और कोई नहीं। आप किस तरह से वहाँ पे कोई आपके लोग रुकेंगे सुरक्षा के लिए? अब हमें को तो मजबूरी है, हम लोगों को रुकना इसलिए रोक रहे हैं। हमें डर है कि कहीं छेड़छाड़ करके और परिणाम ना बदल दिया जाए। कौन से डर है, किस से डर है? प्रशासन से डर है, और किस और कौन जा सकता है वहाँ पर? एक ही सुरक्षा गार्ड मेन गेट पे खड़ा हुआ है और वो सबको आने जाने दे रहा है, यही तो डर है। बहरहाल अब देखना होगा कि अशोकनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपत्ति के बाद जिला प्रशासन कोई एक्शन लेता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, अशोकनगर।